हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होती हैं, और आज हम क्या बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स में बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मतलब खाली। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट मतलब कहता है कि ए सेट Which does not contain any element is called an empty set. एक सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जहां नल सेट null set और void set, क्या कहते हैं, अच्छा इट इज डिनोटेड बाय phi, जहां सिर्फ करी बैग डालते हैं। ओके, इससे हम डिनोट करते हैं, कहते हैं एग्जांपल ए एक्स से दैट ए कुछ कह दिया एक्स दैट एक्स इज ए मैन लिविंग ऑन द मून। यहाँ पे क्या दिया, कहता है कि एक सेट है जो यहाँ पे क्या है कि मैन क्या है, कोई भी एक आदमी है वो वहां पे रहता है मून पे। मून पे कोई रह ही नहीं सकता, ठीक है, मून पे कोई आदमी नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, हियर A is an empty set, ठीक है, ये आगे रहेगा खाली, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये क्या बन गया, empty set, क्लियर। सेकेंड डेफिनेशन क्या दिया, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। जैसे क्या दिया हमें, A set containing of a single element, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसे क्या बोलते हैं, हम सिंगल रन सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0, 5, -1, राइट, है ना, कर्ली ब्रैकेट और सिंगल रन सेट। हियर डायग्राम आई ये क्या, जैसे मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, गोल 1, 1, राइट, ये क्या आ गया, सिंगल रन सेट, राइट। अब क्या है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या है, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर, मतलब एक सेट है वो खाली हो जहां उसमें डेफिनेट नंबर हो तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट मतलब जो जिन वो एलिमेंट जिनको हम काउंट कर पाए, राइट, जहां एम्प्टी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो जैसे दिया सेट कहता है द सेट क्या दिया, 3, 4, 5, 6, है ना, चार एलिमेंट हम इसको काउंट कर सकते हैं, इज ए फाइनाइट सेट बिकॉज इट कंटेन्स ए डेफिनेट नंबर। इसमें क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज ओनली 4 नंबर्स। ऐसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, क्या दिया, मैं ले रहा हूँ जहाँ पे ए बी सी डी, जहाँ जे लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना, जे हमारे पास क्या आ गया, डेफिनेट नंबर आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, ए सेट है जो फाइनाइट नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट, मतलब जो फाइनाइट नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट, मतलब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनकी कोई, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक, द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज एन इनफाइनाइट। ओके, ऐसे में जहां पर ले रहा हूं, ये एक सर्कल ड्रा गया, ये सर्कल ड्रा गया, सर्कल ड्रा गया, सर्कल ड्रा गया, करते चलो इनफाइनाइट, है ना, इनका सेंटर कॉन्सेंट्रिक क्या, इनका सेंटर पॉइंट एक हो, जितने मर्जी सर्कल ले लो, ये क्या बन रहा है हमारे पास। ओके, क्लियर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आ गए। आपको एक और डेफिनेशन है हमारे पास, क्या है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जो हमारे पास आया, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी और इक्विवेलेंट, इक्वी दो सेट है हमारे पास, दो फाइनाइट सेट है जिनको कौन कर सके,
ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, वो क्या है, इक्विवेलेंट है इफ देयर ऑर्डिनल नंबर आर सेम, उनके जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट नंबर क्या हो गया, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी, मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल क्या दिया है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ऐड करते हैं ए क्या दिया है, ए बी सी डी एंड बी क्या दिया है, वन टू थ्री फोर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जी आ जाएगा जैसे यहाँ पे बीच इंप्लाइज एन ऑफ ए कितना है फोर और एन ऑफ बी कितना है फोर, है ना, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन क्वाड्रेंट नंबर, मतलब कितने एलिमेंट है, चार है, यहाँ कितने एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, हियर ए इक्वल्स टू बी, मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट, तो क्या बन गया, इक्विवेलेंट सेट बन गए, मतलब क्या है कि इनके जो क्वाड्रेंट नंबर अगर सेम हो तो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब आ जाता है इसके बाद इक्वल सेट, इक्वल सेट, ओके इक्वल सेट में क्या आता है, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों सेटों के एलिमेंट से एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल में ये डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो जाता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, और सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव, They have इसके कोऑर्डिनेट नंबर थे ना, उसके क्या आएंगे, they have exactly the same numbers of set A and B, sets A and B, मतलब एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ ए एंड बी, ओके सेम नंबर होना चाहिए। जैसे मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया मैंने ए बी सी डी, और बी क्या ले लिया मैंने बी डी सी ए, राइट, आगे पीछे ले लिया, ये हैं तो क्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी, जे हमारे पास आ गया, ओके जे हमारे पास इक्वल आ गया। और इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर बराबर होते हैं, और जो इक्वल है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ये दोनों सेट होंगे इनके जो एलिमेंट्स होंगे जी एक जैसे होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होंगे, तो तभी इसको क्या बोलेंगे, हम इक्वल बोलेंगे। ओके थैंक यू, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और साथ में कोई भी डाउट है इन डेफिनेशंस में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू, जय हिंद जय भारत।